आपको पता लैपटॉप भी है, और लैपटॉप वाला बैग में थोड़ा ढंग से रखना पड़ेगा। मिठाई तो ले लिए, लिया घेवर, ये देखिए अग्रवाल स्वीट्स। दूर से आयो, हमें सरप्राइज दिया, अब हमें तो कुछ सरप्राइज देना पड़ेगा। तो भैया देखिए आज सुबह ही सुबह रिंकू कुन्नू गाड़ी धोने में लग रखे हैं, अच्छे से धो भाई। और आज मौसम देखिए, हवा तो ठंडी ठंडी चल रही है लेकिन धूप उतनी तेज निकल रही है, धूप बहुत तेज है आज भी। और देखना आगे से कितनी गंदी हो रही है, बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। रिंकू तो भैया है चमका दो अच्छे से, अबे धुलवाई थी अभी बाहर अंदर से, हाँ पूरा बाहर धुलवाई थी, अब तुम जरा बाहर से चमका दे, बाहर से भी चमक रही थी लेकिन अभी कुछ दिन इस बेरी के पेड़ के नीचे से वो गिरते ना पत्ते, उसकी वजह से गंदी हुई है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है शनिवार और अभी बज रहे सुबह के 10। अभी तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने गाय वाले रूम में, और देखिए गाय का एक्चुअली क्या था कि आज तीज का त्यौहार है तो मम्मी ने कुछ पूरी निकाली थी गाय के लिए, गाय और बछड़े के लिए, तो वही देने में आया हूँ यहाँ पर। बाकी पहले वैसे पूरी चाहिए था गाय को, और दादी पहले भी आ रखी है। दादी तुम भी कुछ देने आई हो क्या पूरी है? है तुम क्या करने आई हो? पूजी पूरी लो, ये भी दे दो, और ये मैं बछड़े को दे देता हूँ, बछड़े को खाले 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 खा गई, शाबाश शाबाश शाबाश। अब देखो दादी गाय को दे देंगी। तो दोस्तों आज तीज का त्यौहार है, तीजों का त्यौहार, तो आप सभी को मेरी और हमारे चैनल की तरफ से तीजों की हार्दिक शुभकामनाएं, सबको तीज का त्यौहार मुबारक हो। तो तीजों का त्यौहार जो होता है मोस्टली क्या लड़कियों का त्यौहार होता है, लेडीज़ों का त्यौहार होता है, जिसमें झूले वगैरह झूलते हैं, घर में पकवान बनते हैं, स्पेशल खाना बनता है, पूरी सब्जी कचौड़ी घेवर मिठाई होती है जो कि तीजों के त्यौहार पर स्पेशली लाई जाती है। देखो चाची भी आ गई, तुम भी गाय के लिए निकाल रखा, वो बोलने लगी। देखो तो चाची ने भी निकाल रखा था गाय का, अभी बड़ी चाची रह गई ना, ये बड़ी चाची, अच्छा बड़ी चाची को दादी ने दिया ना, हाँ बड़ी चाची को दादी ने दिया था, दादी खिलाने आई थी, मम्मी ने मुझे दिया था, और चाची तो खुद ही देने आ गई गाय को खाना। अब चलता हूँ मैं भी घर में क्योंकि पूजा हो गई है और खाना भी निकल गया, तो अब नाश्ता करता हूँ जाके, ऑलमोस्ट 10 बज गए। धूप ना आज भाई साहब बहुत ही कैडी हो रही है, और आज ना मैं दिल्ली जा सकता हूँ फरीदाबाद, कोई श्योर नहीं है। तो गाड़ी मैंने सुबह धुलवा दी, रिंकू कुन्नू ने गाड़ी धो दी, तो अगर होगा या कुछ मतलब जैसे कि प्लान बनेगा तो फरीदाबाद भी जा सकता हूँ मैं दोपहर के टाइम पे। तो भैया आ गया रूम में मैं भी, अब नाश्ते का वेट कर रहा हूँ, और ले भी आई मम्मी नाश्ता, देखो सामने ले आई मम्मी नाश्ता। और क्या है नाश्ते में आज, क्या क्या बता दो, दूध और किस चीज़ की सब्जी है? आलू की सब्जी है, कचौड़ी बनी है आज, बड़ी चाची ने कचौड़ी बनाई है, मम्मी ने पूरी बनाई है, छोल वो छुआरे लाओ, दूध भी दो। तो भैया नाश्ता आ गया, अब नाश्ता करता हूँ आराम से मजे से, क्योंकि आज बना है टेस्टी टेस्टी पकवान। देखो पैकिंग स्टार्ट हो गई, शिल्पी की पैकिंग भी हो रही है, मेरी पैकिंग भी हो रही है, और उस कमरे में हो रही है कोमल की पैकिंग, कोमल की मम्मी कर रही है। मम्मी रख दिए सारे कपड़े, रख दिए, ये देखो बैग हो गया तैयार, ये हो गया मेरा लैपटॉप का, ओ तेरी बड़ा भारी है भाई, ये तो है दो लैपटॉप है, हाँ एक ऑफिस वाला है घर वाला है, और ये बैग किसका नया, इस शिल्पी भी कपड़े रख रही है अपने। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग दिल्ली फरीदाबाद जा सकते हैं, तो प्लान कंफर्म हो गया और हम लोग जा रहे हैं, जिसमें मैं शिल्पी और कोमल हम तीनों जा रहे हैं। बाकी अभी बज रहे हैं, देखो क्या बज रहा है टाइम, 1:15 होने वाला है, तो 1:15 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे और 5:30 बजे तक शाम को पहुँच जाएंगे। और फरीदाबाद जो मैं जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ किसी काम से, वो काम मैं आपको वहाँ पहुँच कर ही बताऊँगा। सो भैया हो गए हम तो रेडी, अब चलते हैं बाहर, गाड़ी में सामान वामान रख लेता हूँ मैं इतने, क्योंकि 1 ऑलमोस्ट बज गया, 1 बजे हमें निकलना था, तो लेट ना होते हुए जल्दी चल लेते हैं। गाड़ी तो खैर रिंकू ने सुबह धो के खड़ी कर दी थी, रिंकू कुन्नू ने, तो चमक रही है गाड़ी तो। भैया पहले सामान रख देते हैं, इसमें पता लैपटॉप भी है, और लैपटॉप वाला बैग में थोड़ा ढंग से रखना पड़ेगा, जल्दी आ जाओ, डिक्की खोल के दूसरा सामान लेके आता हूँ, मैं फी ऑफ करने आया है। चलो अच्छा बाय, नमस्ते नमस्ते। तो ये लोग हमें सी ऑफ करने आए हैं, नमस्ते 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 नमस्ते, पैर खींच मत दिए मेरे, चलो ठीक है कर दी नमस्ते, चले चलो भाई अब चलते हैं, मैं बैठता हूँ अपनी सीट पे, लेट हो गए काफी, 1:05 हो गया, चलो भैया जल्दी जल्दी चलते हैं।
भैया फाइनली निकल गए हम लोग और अभी टाइम हो रहा है, देखिए दोस्तों 1:05 हो रहे हैं, 7 ही मिनट ही हो गए, बाकी 1:07 4 से 5 घंटे में लगेंगे अप्रोक्स जाने में, पहुंचने में मतलब फरीदाबाद। और रास्ते में रुकेंगे तो हम, ऐसा कुछ प्लान है नहीं, और कुछ खाने के लिए कुछ पीने के लिए रुक गए तो बात अलग है, बाकी ऐसा कुछ प्लान नहीं, तो घर जाके रुकेंगे। किसी को भूख तो नहीं लग रही? नहीं है, इसे लग रही है। इसे उतार दूं क्या? उतार दूं कोमल तुझे घर? तो पहले खाना खा लेती, सुबह से पता नहीं क्या कर रही है और खाना नहीं खाया, अब कह रही भूख लग रही है, तो खिलाऊंगा तो मैं हूं नहीं। अब घर चल के खाएंगे, चले रेडी एक्साइटेड? तो हर हर महादेव, चलते हैं भाई। फरीदाबाद में एंटर कर चुके हैं हम लोग और यहाँ मुझे ना एक अग्रवाल स्वीट्स करके मिठाई की दुकान मिली, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं से ही मिठाई ले लूँ क्योंकि आगे फिर दुकान मिलेगी नहीं और यहाँ ना भीड़ भी नहीं है इतनी, तो मैं उतर के मिठाई लेकर आता हूँ। देखो सामने अग्रवाल स्वीट्स हरियाणा पुलिस फरीदाबाद, तो फरीदाबाद में एंट्री कर चुके हैं, सामने मिठाई लेकर आता हूँ मैं सामने से। कौन सा वाला? डालडा वाला, ये वाला डालडा वाला और ये देसी घी वाला। क्या 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 रेट है? मिठाई तो ले ली है, लिया घेवर, ये देखिए अग्रवाल स्वीट्स। अब यहाँ से 5-7 मिनट का 10 मिनट का अप्रोक्स लग जाएगा मुझे घर पहुँचने में। अब घर पहुँचना, पता दिन में खाना भी नहीं खाया मैंने, सुबह ब्रेकफास्ट ही करा था काफी लेट। क्या चीज? हमने भी नहीं खाया खाना, इसने भी नहीं खाया, तो ब्रेकफास्ट हमने काफी लेट किया था आज, पूरी वूरी हैवी हो गया था, अब भूख लग रही है बहुत तेज, पहले घर जाके कुछ खाएंगे, क्यों कोमल? चले पहुंच गए हम लोग। भाई साहब पूरे रास्ते में ना तक कीचड़ हो रहा था, गाड़ी लगाने बड़ी दिक्कत हुई मुझे। ये सामान ले लियो हैं? नहीं बस ठीक है, चल चल रहे हैं। तो रास्ता दिखाता हूँ मैं पहले उतर के आपको, पूरा गंदा हो रहा है रास्ता, कीचड़ कीचड़ हो रहा है। सो गाड़ी तो ये खड़ी कर दी मैंने, देखना कितना कीचड़ हो रखा है पूरा। वो शिल्पियर वो लोग वो चले गए। देखो हमारी मामी, वीरो तो आके लेट गई यहाँ पर। वीरो हम आपसे मिलने आए और आप सो रहे हो, उठ जाओ। वो कहाँ है गुन्नू? और ये रे गुन्नू और रोई। नमस्ते बाबू, ये तो रो रही है, हमारे आने से रोने लगी। भाई पुच्ची करो, ये रो रही है भाई। वीरू तो रोने लगी, रूही तो रोने लगी। यार वीरू, वीरू आज क्या दावत दे रहे हो हमें, क्या पार्टी दे रहे हो हमें? हम लोग तुम्हारे यहाँ आए हैं तो ये बताओ आज हमें क्या खिला रहे हो? ये देखो गुन्नू दीदी, सारी का नेगी का चैनल है इसका भी। बना रहे हो ब्लॉग आप भी? क्या नाम है आपके चैनल का? अभी नहीं बताया। अच्छा चैनल का नाम अभी वो नहीं करोगे? ये भी ब्लॉग बनाती है, देखो पिदकनी सी छोटी सी। सो भैया हम लोगों को भूख लग रही थी, अभी मामी ने हमें दो चीज ऑफर करी है, बताओ क्या क्या चीज? दूर से आए हो, हमें सरप्राइज दिया, अब हमें भी तो कुछ सरप्राइज देना पड़ेगा, हमें कुछ खिला ही नहीं रहे। तो मामी ने दो चीज ऑफर करी है, कुछ नहीं खिला रहे अभी तो, तुमने दो चीज ऑफर करी है। मतलब पूरी बात तो सुनो, मतलब सरप्राइज दिया ही है तो चलो कोई बात नहीं, अब इसके बदले कुछ तो खिलाना ही पड़ेगा। तो दो मतलब ऑप्शन दिए मैंने, या तो मैगी या सैंडविच, तो दो मिनट में बन सकता है। चलो भाई बताओ क्या खाओगे? मामी ने की मैगी या सैंडविच, जल्दी बताओ। बताओ मैगी। मैगी मैगी मैं सैंडविच। ठीक है ठीक है, सैंडविच। पीयू से पूछो, पीयू पीयू मैगी खाओगे सैंडविच? अच्छे से बताओ क्या खाओगे? मैगी वोट ज्यादा है। चलो भाई मैगी इतना वोट ज्यादा, मेरा एक सिंगल वोट है। चलो तो फिर मैगी खाएंगे, मम्मी अब मैगी बनाएंगे हमारे लिए। ये उधर शिल्पी ने मम्मी को कॉल कर दी, मम्मी के साथ वीडियो कॉल कर रहे हैं। देखो मेरी मम्मी को तुम ब्लॉग में देखते ही होंगे आप लोग, अब वो फोन में भी देखो। तो अब मामी हमारे लिए मैगी बना के लाएंगी 2 मिनट। तो भैया हमारी मैगी बन के आ गई है फाइनली। वाओ देखने में तो अच्छी लग रही है भाई।
तो मामी ने भैया हमारे लिए फाइनली मैगी बना दी है, अब मैगी खाते हैं। ये लड़की पता नहीं मुझे देख के क्यों रो रही है, देखो ये क्यों रो रही है मुझे देख के, मैं डरावनी शक्ल का लग रहा हूँ क्या? भैया इधर कर दो, इधर देखो ये मुझे देख के रो रही है, देखो उसे पहचानती नहीं है, आप धीरे धीरे पहचानेंगी। हाँ जब हमारे जाने का नंबर आएगा तब पहचानेगी। दोस्तों आपके 10:30 बज गए हैं और मैं आ गया हूँ छत पे खाना खा के, बाहर घूमने अभी थोड़ी देर पहले खाना खाया था और छत पे घूम रहा था मैं, अब जा रहा हूँ नीचे। बाकी वहाँ से आने के बाद मैं थोड़ी देर सो गया था। सो दोस्तों इस ब्लॉग का यहीं पर करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।